कोंडागांव के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सुराना उर्फ गप्पी सुराना ने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी की है। इस बात को लेकर कांग्रेस में भारी रोष है। अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि घोष ने सिटी कोतवाली कोंडागांव में लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिटी कोतवाली कोंडागांव में शिकायत करते हुए कांग्रेसियों ने बताया कि 6 दिसंबर की शाम 8:46 पर प्रसून वाजपेयी फैन पेज पर डाली गई पोस्ट प्रियंका और निक जोनस की शादी में 15 लाख की घड़ी चोरी में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सुराना द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। जितेंद्र सुराना ने अत्यंत अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस अध्यक्ष को गाली दी है। अब कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में अभद्र बातों का प्रयोग जितेंद्र सुराना उर्फ गप्पी सुराना ने किया है वह निंदनीय है। वह उनके द्वारा किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि घोष के द्वारा सिटी कोतवाली कोंडागांव में मामले की शिकायत की गई है। सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने कोई शिकायत भी की है, क्या है पूरा? जी हाँ, सोशल मीडिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं माननीय जितेंद्र सुराना जी, उनके द्वारा कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास प्रसन्न वाजपेयी फैन क्लब का एक पोस्ट था, उस पर काफ़ी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरुद्ध में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय माननीय रवि घोष ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत कहाँ की गई है? शिकायत थाना प्रभारी कोंडागांव को की गई है और शब्द ऐसे हैं कि मैं आपको इस सार्वजनिक रूप से बता भी नहीं सकता, इतने अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इधर जितेंद्र सुराना ने चर्चा करते हुए बताया कि उनके नाम से फेसबुक पर कुल 3 अकाउंट चल रहे हैं। इसमें से 2 अकाउंट किसी ने फर्जी तरीके से बनाए हैं। इस बात की उन्होंने कई महीने पूर्व फेसबुक पेज पे पोस्ट कर जानकारी डाली है। उन्हीं 2 फर्जी अकाउंट से किसी ने ये पोस्ट जारी किया होगा। वहीं पूरे मामले पर कोंडागांव कोतवाली प्रभारी ने कहा कि मामले की लिखित शिकायत मिली है, फिलहाल आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। जी, सोशल मीडिया में एक आपने मैसेज डाला है, क्या है उसके? मेरी 3 आईडी चल रही है। इसके पहले भी चुनाव से पहले मेरी आईडी को 2 से 3 दिन हैक किया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर चालू करा, फिर उसके बाद फिर 2 बार हैक हो गया था। चुनाव के दरमियान भी 3 से 4 बार मेरी आईडी हैक हुई थी, बंद हो गई थी। अभी भी मेरी 3 आईडी चल रही है और ये मुझे आपके द्वारा पता चल रहा है कि सोशल मीडिया में इस टाइप के कमेंट्स किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा वह नहीं किया गया है। क्या मालूम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे आईडी को हैक करके यह डाला गया होगा, लेकिन ये आईडी जो कमेंट्स डाला गया है वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है। अगर जो भी डाला है मैं उनसे चाहूँगा कि इस टाइप के कमेंट्स नहीं डालें, और मैं चाहूँगा कि इस टाइप के कमेंट्स मैंने नहीं किया है, और मैं बिल्कुल ये सच्चाई तरह कह रहा हूँ कि ये आईडी फेक आईडी होगी, क्योंकि मेरी आईडी 3 चल रही है। क्या आपके आईडी हैक करने के लिए करके कभी किसी को शिकायत किया? नहीं, मैंने एक महीना पहले मेरी आईडी चल रही थी, उस आईडी में मैंने एक पोस्ट भी 3 बार डाला है। उसमें आप सर्च करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि मेरी आईडी को हैक किया जा रहा है, पूरा उसमें कमेंट्स में है। 1 बार नहीं 3 बार मैंने पोस्ट किया है कि मेरी आईडी को हैक किया जा रहा है करके। For more information, log on to www.clips.in.